हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के बारे में। जसप्रीत बुमराह क्रिकेट में तेज गेंदबाज और सटीक यॉर्कर के लिए जाने जाते हैं और लिमिट ओवर के क्रिकेट में दुनिया का बेस्ट बॉलर माने जाते हैं। और कुछ एक्सपर्ट के माने तो अभी तक के क्रिकेट जगत के तेज गेंदबाज और सटीक यॉर्कर के बादशाह बुमराह को ही बताते हैं। तेज गेंद और परफेक्ट लेंथ के साथ साथ उनकी फिटनेस काफ़ी अच्छी है, इसी कारण इंडिया क्रिकेट टीम के लिए मुख्य बॉलर का प्रतिनिधित्व करता है और लंबे समय टॉप बॉलर के लिस्ट में पहले नंबर पर हैं। लेकिन क्रिकेट मैदान में हवस से बात करने वाले जसप्रीत बुमराह की संघर्ष व सफलता को नहीं जानते, तो चलिए जसप्रीत बुमराह की सफलता व संघर्ष के बारे में जानते हैं। जसप्रीत बुमराह का जन्म 6 दिसंबर 1993 को गुजरात के अहमदाबाद में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। उनके पिता का नाम जसप्रीत, जो एक बिजनेसमैन था। जसप्रीत के मां का नाम दिलजीत कौर, जो प्राइमरी स्कूल में प्रिंसिपल के पद पर थे। इसके अलावा उनकी एक बहन है जिनका नाम जुहिका है। जसप्रीत बचपन से ही क्रिकेट से लगाव रखता था। वह क्रिकेट में गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी भी किया करते थे, लेकिन बुमराह हमेशा बॉलिंग में एकाग्र रहे, जो बॉलर के फील्ड में इतने आगे आ सके। बात करें जसप्रीत बुमराह की पढ़ाई की, तो वह अपनी शुरुआती पढ़ाई अहमदाबाद के निर्माण हाई स्कूल में, जहां की प्रिंसिपल उनकी मां थी। जसप्रीत ने खेलना ही शुरू किया था कि उनके घर में दुखों का पहाड़ टूट पड़ गया। जसप्रीत महज 7 साल के थे तब उनके पिता का हेपेटाइटिस की वजह से मृत्यु हो गई। जी हाँ दोस्तों, उनकी सफलता में उनके पापा की मृत्यु अहम कहानी रचती है। उनके पिता की मृत्यु के बाद उनकी माँ पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद उनकी माँ समझ गई थी कि उनके बच्चों की जिम्मेदारी अब उनके कंधों पर है और वह खुद को संभाली। जैसे जैसे जसप्रीत की उम्र बढ़ती गई तो उनकी क्रिकेट के प्रति रुचि भी बढ़ती गई। वह पढ़ाई से ज़्यादा अपने गेंदबाजी पर ध्यान देते थे, लेकिन उनकी मां चाहती थी कि जसप्रीत अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी कर अपने कज़न के पास कनाडा चले जाए और आगे की पढ़ाई और जॉब वहीं से करे। लेकिन जसप्रीत ने क्रिकेट फील्ड में अपना मन बना लिया था। वह ये भी जानते थे कि उनकी 12th की पढ़ाई पूरी होते ही उन्हें कनाडा भेज देंगे। तब बुमराह की उम्र 14 साल की थी और उन्होंने अपनी माँ को अपनी पूरी इच्छा बताई कि मुझे पढ़ाई में मन नहीं लगता, मुझे क्रिकेट खेलना है। तभी उनकी माँ ने साफ मना कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि क्रिकेट में बहुत कंपटीशन है। तब उस वक्त तक बुमराह के टैलेंट के बारे में पता नहीं था। जसप्रीत के सामने एक और प्रॉब्लम थी कि उनकी माँ उसे ज़्यादातर बाहर खेलने से मना करती थी, तो वहाँ घर में ही अभ्यास करते थे। तब उनकी माँ को लगने लगा कि यह एक क्रिकेट प्लेयर बन सकता है। फिर उसकी माँ भी उनको सपोर्ट करने लगी। इस तरह समय के साथ उनकी गेंद की स्पीड बढ़ती गई और लोकल टूर्नामेंट में विकेट भी उनके तेज बॉल को सहन नहीं कर पाते और टूट जाते थे। बुमराह के लोकल टूर्नामेंट के खेल के प्रदर्शन को देखकर MRF पेस फाउंडेशन की टीम उनको अपने एकेडमी में प्रैक्टिस का मौका दिया। MRF फाउंडेशन चेन्नई में स्थित एक ऐसा फाउंडेशन है जिसमें टैलेंटेड गेंदबाज को ज्वाइन करते। बुमराह एक्सपर्ट की नज़रों में बॉलिंग करते थे और उसके गेंद करने की बारीकी को बताते, जिससे वह और भी खतरनाक गेंदबाज बन गए। सिर्फ बुमराह ही नहीं, इस फाउंडेशन से जाहिर खान, श्रीशांत, मुनाब पटेल और कई प्लेयर इस फाउंडेशन में ट्रेनिंग ली है। यही से साल 2013 अक्टूबर महीने में गुजरात के U19 टीम में खेलने का मौका दिया गया। बुमराह ने वेदर के खिलाफ काफ़ी बेहतरीन बॉलिंग किया और 7 विकेट लिए। इस खेल के बेहतरीन प्रदर्शन के चलते उन्हें सैयद मुश्ताक अली में खेलने का मौका मिला। इस टूर्नामेंट में भी वही शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया और उसके प्रदर्शन को देखकर IPL टीम मुंबई इंडियंस के कोच ने उसे अपने टीम में खेलने का मौका दिया। उसे मुंबई के प्लेइंग 11 में भी जगह मिल गया था। मैच बेंगलोर के खिलाफ खेलना था और उस मैच में विराट बल्लेबाजी कर रहे थे। उस वक्त बुमराह को बॉलिंग करने के लिए कहा,
बुमराह के तीनों गेंद में विराट ने तीन चौके जड़ दिए थे। इस लगातार तीन चौके को देखकर सचिन को लगा कि बुमराह नर्वस हो रहे हैं। तब सचिन ने कहा कि T20 है, चौकों पर ध्यान मत दो, अपनी अच्छी गेंद डालने की प्रयास करो। सचिन के समझाने पर अगली गेंद पर विराट को LBW आउट कर दिए। इस मैच में 32 रन देकर 3 विकेट लिए थे। हालांकि IPL 2013 में प्लेइंग 11 में केवल 2 ही बार शामिल हुए थे। इसके अगले साल भी मुंबई की टीम में थे। साल 2014 उनके लिए कठिन साल साबित हुआ। एक दिलीप ट्रॉफी के दौरान उनके घुटनों में चोट लग गई और वहां क्रिकेट खेलना बंद कर दिया। उन्हें यह डर सताने लगी कि वो वहां पहले जैसे क्रिकेट खेल पाएगा कि नहीं। कुछ महीनों बीतने के बाद वहां अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दिया। वहां जीजान से अपने प्रैक्टिस को समय दिया, जिससे वहां अपनी पुरानी गेंदबाजी के रिदम में आ चुके थे। साल 2015 में उसी चोट की वजह से वहां क्रिकेट मैच नहीं खेल पाए, लेकिन वहां डोमेस्टिक क्रिकेट में अपनी शानदार फॉर्म में लौट चुके थे। उनके बेहतरीन गेंदबाजी के चलते टीम इंडिया में शामिल कर लिया गया। यह उनकी ज़िंदगी का बेस्ट मोमेंट था जब उसे टीम इंडिया में शामिल कर लिया गया। तब उसकी उम्र 23 साल थी। 27 जनवरी 2016 को T20 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डेब्यू करने का मौका मिला। इस मैच में 40 रन देकर 2 विकेट लिए थे। यहाँ उनको महेंद्र सिंह धोनी से बहुत टिप्स मिले जो उनके बहुत काम। एक बार टीम इंडिया में एंट्री लेने के बाद उनकी जगह टीम इंडिया में मजबूती बनती गई। साल 2016 में T20 में सबसे ज़्यादा 28 विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे। साल 2016 में ही IPL टीम मुंबई ने उनकी जगह भी पक्की हो गई। कुछ लोग कहते हैं कि IPL से ही उन्हें टीम इंडिया में खेलने का मौका मिला, लेकिन इसके उलट डोमेस्टिक क्रिकेट में शानदार गेंदबाजी के बदौलत टीम इंडिया में पहुंचे और टीम इंडिया में अच्छी प्रदर्शन से ही उनकी जगह टीम मुंबई इंडियंस में जगह। और कुछ ही समय में वहां टीम इंडिया और IPL टीम मुंबई के मुख्य गेंदबाज बने और आज जसप्रीत टीम इंडिया में बॉलिंग के प्रमुख स्तंभ हैं और IPL टीम मुंबई के 5 IPL ट्रॉफी जीतने में मुख्य भूमिका निभाई। आज वर्तमान में वहां स्टार गेंदबाज हैं जिनके करोड़ों फैन फॉलोइंग हैं। हम इस वीडियो में इसकी सफलता और संघर्ष को पूरी तरह नहीं बता सकते क्योंकि हमारी इस छोटी सी वीडियो में बस इतना। आपको उनकी क्रिकेट जर्नी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।